केरल के हदिया मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हदिया बालिग है और उसने कोर्ट में बयान दिया है कि उसने मर्जी से शादी की है, लिहाजा अदालत शादी में दखल नहीं देगा। लेकिन लव जिहाद के आरोपों से जुड़े इस मामले में एनआईए की जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 22 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी। तो हदिया ने मर्जी से शादी की और अदालत अब शादी में दखल नहीं देगी, ये सुप्रीम कोर्ट से ओर से ये बात कही गई है। ये इस वक्त की अहम खबर, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि किसी तरह की दखलंदाजी अब अदालत की ओर से इस मामले में नहीं की जाएगी।